Damn. तो अभी हम लोग यहाँ चेकिंग करा रहे हैं। इसका दूसरे राइडर का ये हो जाएगा लाइसेंस लेने में। चाय देखता हूँ, यहाँ पर एक ढाबा है छोटा सा शर्मा ढाबा, ये यहीं पर बना है, ये सब रुकते हैं। और यहाँ पर ये बताइए कि बर्फ में कोई आ सकता है बाइक लेके? अगर पूरी बर्फ, कितनी फीट बर्फ होती है? 25-30 फीट बर्फ होती है। एक और बात है, कब से बर्फ पड़ती है, कौन से महीने और कौन सी तारीख, अंदाजा? अक्टूबर 15 के बाद से बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं आता, ये यहीं रहते हैं। और अक्टूबर 15 से बर्फ पड़ना स्टार्ट होती है। और कब खुलता है रास्ता? मई। कौन सी तारीख? मई 15 तक ये रास्ता खुल जाता है, और कभी कभी डिले भी होता है। चलो ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दे दी इन्होंने, शायद आपको भी अच्छा लगा सुन के कि यहाँ जी यहाँ पर कोई रहता है। आप अगर यहाँ फंस भी गए कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर आ सकते हो। ये देखो यहाँ पर नाइट स्टे है, रात को अगर मान लो सच पास आ गया है और आपको वापस नहीं जा पा रहे हो, तो यहाँ नाइट स्टे है। यहाँ पर जहाँ चेकिंग होती है, आप अपने लाइसेंस दिखाते हो जो चला रहा है बाइक या गाड़ी, वहीं पर बिल्कुल उसके सामने ये हट बना हुआ है, और इस हट में हम आके रह सकते हैं। शर्मा ढाबा एक ही ढाबा है, सच पास से 14 किलोमीटर पहले। वो देखो वहाँ सीन देखो, बहुत ही अच्छा। मैं कहाँ चला गया, गलत जगह। आप ठीक है, और हमें धीरे धीरे जाना, 12 किलोमीटर चलने में हमको कम से कम नहीं हो तो हमें आधा घंटा लग सकता है। मेरे लेफ्ट में बहुत ही शानदार नजारा है, लेकिन मैं वो नज़ारा नहीं देख सकता क्योंकि मुझे बाइक चलानी है और मुझे रोड पे ध्यान देना है। बादल हमसे भी नीचे अल्टीमेट। अगर कोई आए यहाँ जहाँ चेकिंग होती है, जहाँ पर हम रजिस्टर कराते हैं, वहीं से थोड़ा आगे जस्ट आधा किलोमीटर। आवाज़ तो आई थी थोड़ी सी, मुझे लगा कि क्या चीज़ लेग गार्ड भाई, मैं सोचा यहाँ से कुछ टूट गया है। अरे वो टूट गया है, ये उधर घूम चुका हूँ थोड़ा। तुम भी जाओ, दोनों रहो, एक को मेहनत मत करने दो, एनर्जी बिल्कुल नहीं खत्म करनी हमें। देखो गिर गंदा हो जाएगा।
बाइक पे मत रखो ना, साइड में नीचे रख दिया करो, गंदा हो जाता है ना। चलो उधर घुसाओ, बस ऐसे रखो। चलो अपाचे आरटीआर लाइव ऑन द एज, कम ऑन, फेंक दो, टूट गया, ये काम नहीं है। यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो एक बाइक का इंजन का टूट गया, अब देख रहे हो अपाचे आरटीआर, इसका ये इंजन गार्ड है, यहाँ मैंने रख दिया है, यहाँ इसकी कवर बना देता हूँ पत्थर रख के। तो ये अब ये यहीं पर ही रहेगा हमेशा। आगे चलते हैं, हम चल रहे हैं सच पास की तरफ। देख रहे हो आप, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है और आपको नीला आसमान नजर आ रहा होगा, शानदार। निशिकांत हमारे सुपर राइडर ऑन टीवीएस अपाचे 160 आरटीआर हमें लीड करते हुए आगे हैं, वो देखो। रोड गंदा वाला, अब ये सच पास के बीचों बीच, ओह माय गॉड, ये क्या, ये देखो चट्टाने, चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने। कोई अगर अकेले आ जाए रात को, कमजोर दिल वाला, मेरे ख्याल से वो यहाँ पर खड़ा भी नहीं होना चाहेगा। 15 अगस्त है और आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम सच पास पे अपने उम्मीदों का झंडा लहराने आए हैं, उम्मीदों और अपने जो एडवेंचर होता है अपने अंदर का, उसका झंडा फहराने आए हैं। तो ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी तो आप जानते ही हैं, हाउ टू लिव द लाइफ, लिव लाइफ, फील गुड, राइड सेफ। हम पहुंच गए, आई थिंक वी डिड इट। ये स्वस्तिक का साइन देख रहे हैं आप, ये सच पास है। और अपने आप को दिखाता हूँ सच पास, अपने आप को बाद में दिखाना। राहुल सिंह सच पास पे रात को सच पास। देखो कौन है सच पास आया। ए निशि इधर आ जा। अरे मैं चिल्ला दिया ना, गला हो गया। तो उधर बैठो जाके। तो हम लोग अभी सच पास पे हैं। हाँ, कोई फालतू बातें नहीं। 45 अरे हटो तो सही। ये देखो 4500 m छोटा वाला, 4500 मीटर्स। यू कैन कैलकुलेट, आप खुद कैलकुलेट कर लो कितने फीट पे है ये। लोग बहुत कुछ बोलेंगे। सबसे पहले वहाँ से आप नीचे से आओगे, पठानकोट पहुँचोगे, किसी को पता ही नहीं सच पास क्या है। पूछो क्या है सच पास, किसी को नहीं पता। एक आदमी मिल जाएगा जो यहाँ कभी आया होगा, वो बोले वहाँ काली माता का मंदिर होगा टॉप पे, वो है सच पास। हमारे साथ निशिकांत है, हमारे हीरो। चलो ठीक है, निशिकांत बहुत ही डेयरिंग है, करेजियस, धमाका राइडर। Hi guys, it's me, Nishikant. तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं यहां पे सच पास। अगर हमने देखा होगा कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गया था मैं, पता नहीं कैसे कैसे चिल्ला पड़ा। बहुत मेहनत करी है भाई,
बहुत ज्यादा डरा हूँ और जैसे तैसे हिम्मत करके बस आ गया हूँ। ये मेरी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ लिटरली, और रात को पहुँचा हूँ ये ठीक है। मैं एडवाइस नहीं करता कि रात को आओ, पर रात को आया हूँ ये भी एक अपने आप में एक एडवेंचर है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा, कहाँ है राहुल, कहाँ है निशिकांत, गले मिल गए भाई। टफ सिचुएशन, टफ जान। चॉकलेट यहाँ पे बहुत एक तरीके से लाइफ सेविंग है, वो मजाक नहीं कर। एक पल के लिए मेरे को ऐसे चक्कर सा लगा और मेरे को ऐसा लगा कि बस कुछ हो ना जाए। और मैंने इतने ट्रिप्स करे हैं, मैंने स्पीति वैली भी किया है एक्सट्रीम कंडीशंस में, बट मेरे को तब भी इतना कुछ नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा। पर यहाँ पे मेरे को सच में कुछ लगा कि कुछ हो जाएगा, और समझ में आता है कि क्यों सच पास को जो किया है दुनिया का सबसे खतरनाक रोड्स का और जगह का खिताब मिला हुआ है। तो हम चलना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है।